स्टूडेंट, दिस इज रोहित संतवानी, वेलकम्स यू ऑल वंस अगेन इन करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल। पार्ट वन क्वेश्चन नंबर 1 to 50 के सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूँ। पार्ट वन रिलेटिवली पार्ट टू से जो 51 to 100 है उससे ईजी था। अब मैं आपको पार्ट टू के सॉल्यूशन बताऊंगा। पार्ट टू में आपके थोड़े क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन और अरिथमेटिकल रीजनिंग से अच्छे क्वेश्चन थे, तो वो थोड़ा सा आपको टिपिकल लगा होगा, बट अब देखते हैं उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। मैं 51 से 100 के सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन था इसका, एस कंडला इज रिलेटेड टू गुजरात इन द सेम वे कोचीन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब अगर आप क्लियरली देखो तो कंडला इज रिलेटेड टू गुजरात, इट मींस क्या कि गुजरात कंडला जो है वो कहां पे है, गुजरात में है, तो कोचीन कहां पे है, केरला में। इट मींस ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंडिया इज रिलेटेड टू न्यू दिल्ली, और अगर आपको पता ही है इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। सिमिलरली पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 अगेन इज योर करेक्ट आंसर। रुपी इज रिलेटेड टू इंडिया, इंडिया की करेंसी है रुपी। अब येन किसकी करेंसी है, जापान की, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं। ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, सी ग्रेटर देन डी। कंडीशन ये है, ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन डी, ये आपका क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया। अब अगर आप देखो ए ग्रेटर देन सी तो ये तो ट्रू है, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली रॉन्ग, ट्रू नहीं रॉन्ग कौन सा है, ए ग्रेटर देन डी, बी ग्रेटर देन डी, ये तीनों तो सही है, बचा गया डी ग्रेटर देन ए, जो कि पॉसिबल कंडीशन ही नहीं है। इट मींस डी ग्रेटर देन ए इज द इनकरेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे 55 से 59, बहुत अच्छे लॉजिकली क्वेश्चन थे, तो चलिए इनके सॉल्यूशन देखते हैं। अब दिया हुआ है आपको क्लियरली कि आपका जो अल्फा है वो इक्वल्स टू है, ठीक है, बीटा जो है आपका वो ग्रेटर देन है, उसके बाद गामा जो है वो लेस देन है, और लास्ट में जो डेल है वो नॉट इक्वल्स टू है। तो हमें इसी बेसिस पे वर्क करना है। अब जो पहली इक्वेशन है 6x इक्वल्स टू क्या है 5y, फिर क्या है 2y bz, मतलब 2y जो है आपका बीटा दे रखा है, यानी ग्रेटर देन क्या है 3z। तो अब हमें इन चारों ऑप्शन में से बताना था कि कौन सा सही है। तो पहले अगर मैं स्टेटमेंट वाइज देखूं तो मैं x और y का रिलेशन निकाल सकता हूं, मुझे यहां 2y चाहिए। यहां से देखो x की वैल्यू आपकी आएगी 5y/6, या मैं यूं कहूं कि 6x/5 कितना हो गया y। अगर मुझे 2y चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो आपका जो 2y आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, 12x/5, और वो किससे ज्यादा है 3z से। क्लियर, ये तो आपको कंडीशन मिल गई। अच्छा एक चीज और देखो, 12x/5 इज वो ग्रेटर देन 3z आपको गिवन है, और अगर आप देखोगे तो क्या आ गया 2.4। यहां से आपको देखोगे 2.4x जो है वो 3z से ग्रेटर है, ठीक है, आपको ये आंसर मिल गया। तो अगर 2.4x 3z से ग्रेटर है तो 4x क्या होगा, ग्रेटर देन 3z, क्योंकि हमारे ऑप्शन में 2.4x तो था नहीं, ऑप्शन जो थे 2x बीटा, मतलब 2x जो है वो लेस देन 3z, जो कि पॉसिबल कंडीशन है नहीं क्योंकि वो तो गैप बड़ा है। इसी तरह 4x जो है 4x ग्रेटर देन 3z, हाँ ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सेटिस्फाई हो रहा है, इसके बारे में मैं कमेंट कर नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास 2.4x ग्रेटर हो रहा था, तो ये सही नहीं था सॉल्यूशन, ये गलत बैठ रहा था, ये बिल्कुल इजीली कंफाइन हो रहा है क्योंकि 2.4x ग्रेटर देन 3z, तो 4x भी क्या होगा ग्रेटर देन 3z। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं AX, अब सिंबल्स वही हैं, उसी पे बेस चार क्वेश्चन ही है, देख लेते हैं क्या क्या है। अगर आप देखो तो AX गामा जो था वो लेस देन का बता रहा था, तो AX लेस देन BY, फिर आपको दे रखा है BX इक्वल्स टू CZ और B स्क्वायर इक्वल्स टू AC, ये आपको गिवन कंडीशन है। अब अगर आप ऑप्शंस के थ्रू जाओ तो आपको ऑप्शन से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देखिए BX इक्वल्स टू CZ है, तो मैं यहां से C की वैल्यू निकाल सकता हूं, वो क्या है B स्क्वायर बाय A, या मैं यहां पे बी स्क्वायर ए सी में पुट कर सकता हूं सी की वैल्यू। इसको अगर मैं इक्वेशन 1, 2, और 3 लूं तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 मैं सी की जो वैल्यू निकालूंगा वो आपकी आएगी BX/C, ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई BX/Z। ये आपकी बी स्क्वायर की वैल्यू, यानी बी स्क्वायर आपका BX इक्वल्स टू CZ है, आपको वैल्यू सिर्फ सब्सटीट्यूट करनी है, तो आप C की वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए। तो अगर मैं देखूं तो मेरा बी स्क्वायर यहां पे क्या हो रहा है BX इक्वल्स टू CZ है, और यहां से अगर मैंने वैल्यू निकाली C की तो मेरा क्या हो रहा है BX इक्वल्स टू CZ है, यहां से C की वैल्यू आ रही है BX/Z, तो मेरा यहां से क्या हो गया बी स्क्वायर इक्वल्स टू A into BX/Z, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये बी से बी ये कैंसिल हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं BZ इक्वल्स टू AX, एक रिलेशन तो अभी तक मुझे ये पता पड़ा, बट AX तो क्या है लेस देन BY है, ठीक है। अच्छा अगर AX लेस देन BY है, हमें अगर देखना है कि कौन ग्रेटर है,
तो आप ये कह सकते हो ए एक्स लेस देन बी वाई है, तो मैं ये कह सकता हूं बी जेड इक्वल्स टू ए एक्स लेस देन बी वाई, या फिर मैं ये कहूं कि बी जेड जो है वो लेस देन क्या हो गया बी वाई, बी से बी कैंसिल तो जेड क्या हो गया लेस देन वाई, या फिर मैं ये कहूं वाई शुड बी ग्रेटर देन जेड, और ग्रेटर का सिंबल कौन बाजार था बीटा, तो वाई बीटा जेड ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं ए बी एक्स वाई वापस इक्वल्स टू का साइन है, ए बी एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर जेड सिंबल वही है, उसके बाद बी एक्स जो है वो आपका है अब आपका बी एक्स जो है वो क्या दे रखा है बीटा, यानी बीटा आपका किसको बता रहा था ग्रेटर को, वो है ग्रेटर देन ए वाई है, फिर आपका दे रखा है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, ये आपको गिवन कंडीशन ऑलरेडी है। तो अगर आप देखो यहां से तो बी एक्स आपका क्या मिल रहा है ग्रेटर देन ए वाई मिल रहा है। अच्छा अगर मैं इसी कंडीशन से चलूं सिर्फ इस कंडीशन से तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या कि बी स्क्वायर एक्स जो होगा वो ए बी वाई से बड़ा होगा, ठीक है बी स्क्वायर एक्स आपका किससे बड़ा गया ए बी वाई से। अगर मैं एक्स से भी मल्टीप्लाई कर दूं मैं कौन सी इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं, मैं यहां पे आपकी इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर रहा हूं, तो मैंने क्या करा बी से मल्टीप्लाई कर दिया तो बी स्क्वायर एक्स क्या गया ग्रेटर देन ए बी वाई। और अगर मैं आपको देखूं यहां पे मुझे एक्स चाहिए, देखिए ए बी वाई मिल चुका है ए बी वाई मिल चुका है, अगर मुझे एक्स चाहिए तो यहां पे एक्स से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर किससे बड़ा हो गया ए बी एक्स वाई से, क्लियर। और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर किसके ए बी एक्स वाई किसके इक्वल है सी स्क्वायर जेड के, तो आपका बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया ग्रेटर देन सी स्क्वायर जेड। अब आपका बी स्क्वायर तो खुद ही ए सी के इक्वल था, ये आपको इक्वेशन नंबर 3 में गिवन था, तो ए सी एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन सी स्क्वायर जेड होगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं ए एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन सी जेड, ये आपका दिख रहा है। अब अगर आप देखो ए एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन सी जेड वो आपका ऑप्शन नंबर 1 दैट इज ए एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन सी जेड आ गया। इजी क्वेश्चन था, सिर्फ अप्रोच कहां से करनी थी इसको देखते हुए मैंने बाकी सिर्फ ये फेस लाया, इस फेस को लाने के लिए मैंने दोनों साइड मल्टीप्लिकेशंस किए टर्म्स की, उसके बाद मेरे पास डायरेक्ट रिलेशन आ गया, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं बी सी वाई लेस देन ए एक्स, सबसे पहली कंडीशन बी सी वाई लेस देन ए एक्स है, उसके बाद सी वाई जो है वो इक्वल्स टू बी जेड है, ये आपको दे रखा है, फिर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर आपका फिर आ गया लेस देन बी सी। अब यहां पे 3 कंडीशन है और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो अगर आप देखो सी वाई जो किसकी इक्वल आ रहा है बी जेड के, तो मैं यहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड मैं फ्रॉम 1 और 2 से एक बात कह सकता हूं सी वाई अगर उसके इक्वल है तो बी स्क्वायर जेड जो है वो लेस देन होगा ए एक्स के, ये मुझे कंडीशन मिल गई, ठीक है। अब अगर आप देखो आपको तो क्या चाहिए ए बी, अगर मैं इसको यहाँ पे ए बी जेड चाहिए मुझे, अगर मैं देखूँ मेरे पास ए बी जेड 3 ऑप्शन में ए बी जेड है, तो मुझे ए बी जेड अगर लाना हो तो मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ इस तरह से सॉल्व करना है कि मेरे पास ये ए स्क्वायर और बी सी का भी यूज हो, तो इसके लिए अब क्या करें मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो जैसे ही मैंने इसको बी स्क्वायर ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर एक्स, क्लियर, ये ए बी स्क्वायर जेड आ गया। अब ए स्क्वायर एक्स जो है वो किससे छोटा है बी सी से, और ये यहाँ पे ग्रेटर हो गया तो मैं कह सकता हूँ ए बी स्क्वायर जेड जो है आपका वो लेस देन किससे हो गया बी सी से, क्योंकि बी सी ए स्क्वायर से तो ऑलरेडी बड़ा है, तो ए स्क्वायर एक्स से तो वैसे भी बड़ा होगा क्योंकि बी सी ए स्क्वायर से बड़ा है, तो ए स्क्वायर एक्स से भी क्लियरली बड़ा होगा, यहाँ से बी कैंसिल हो गया, तो हम यहाँ पे एक कंक्लूजन पे पहुँच सकते हैं कि सी एक्स जो है वो ग्रेटर हो गया किससे ए बी जेड से, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखो तो सी एक्स ग्रेटर देन ए बी जेड हो गया, और ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था सी एक्स लेस देन आ रहा था, यहां पे भी ऐसा कोई ऑप्शन इक्वल्स टू आ रहा था, यानी ये दो ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो डेल क्या था नॉट इक्वल्स टू, तो भाई सी एक्स ग्रेटर नहीं है, ग्रेटर है ग्रेटर वाला ऑप्शन है नहीं, तो सी एक्स क्या होगा ग्रेटर की जगह सी एक्स नॉट इक्वल्स टू ए बी जेड, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत लॉजिकली क्वेश्चन था, सिर्फ आपको करना ये था कि बी स्क्वायर जेड आपने देखा, आपको सिर्फ क्वेश्चन के ऑप्शन से चलना था, ऑप्शन में ए बी जेड था तो मैंने कोशिश बार बार यही की कि मैं ए बी जेड बनाऊं, उससे मेरा एलिमिनेशन पार्ट बहुत ईजिली हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ए स्क्वायर एक्स, वापिस वही कंडीशन ए स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है बी वाई जेड के, सी जेड एक्स बी स्क्वायर वाई के, उसके बाद सी स्क्वायर जेड इक्वल है ए एक्स वाई के, आपके पास 3 आ गए और ये तीनों क्या आ गए आपस में इक्वल है, मुझे चाहिए क्या, देखिए ए बी सी
आपको हर ऑप्शन में ए बी सी दिख रहा है लेकिन चार रिलेशन है, तो मुझे अल्टीमेटली चाहिए क्या ए बी और सी की वैल्यू? अगर ये तीन की वैल्यू आ गई तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो ऐसे केस में करना क्या है, ए की वैल्यू निकाल लो। देखो हर एक इन तीनों इक्वेशन से हर में एक आपको तीनों इक्वेशन से हर हर में आपको ए बी और सी की वैल्यू इजीली मिल सकती है। तो चलिए निकालते हैं सबसे पहले ए की वैल्यू। अगर ए की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी सी स्क्वायर जेड बाय एक्स वाई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। बी की वैल्यू निकालोगे तो इससे निकाल लो, आपकी बी की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर एक्स बाय वाई जेड आ गई। नेक्स्ट आपके पास सी की वैल्यू चाहिए तो सी की वैल्यू यहां से आ रही है बी स्क्वायर वाई अपॉन जेड एक्स, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 में एबीसी की वैल्यू आ गई। मैंने क्यों एबीसी की निकाली, क्योंकि मेरे ऑप्शन है इस तरह से दे। अब इन तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 × 5 × 6 तीनों इक्वेशंस को क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए बी सी जो है वो आपका सी स्क्वायर जेड बाय एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर एक्स बाय वाई जेड इंटू बी स्क्वायर वाई बाय जेड एक्स, ये आ गया क्लियर। अब अगर आप देखो कैंसिल कर लो, एक्स से एक्स गया, जेड से जेड गया, वाई से वाई गया, उसके बाद आपका बच क्या रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहां से अगर देखो तो ए बी सी ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, यहां आपका बचेगा एक्स वाई जेड, और ये किसके इक्वल होगा ए बी सी, मतलब एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एल्फा, यानी एल्फा का रिलेशन आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, बहुत ईजी क्वेश्चन था। देखिए ऑप्शन से भी आप आंसर निकाल सकते हो, ये इस क्वेश्चन से पता पड़ रहा है, क्लियर। नेक्स्ट, अब आपको दे रखा है, ये बिल्कुल ब्लड रिलेशंस पे क्वेश्चन है कि पी, इसमें रिलेशन दे दिया। अब सबसे पहले बोला गया पी एल्फा एट द रेट क्यू, तो पी एट द रेट मतलब पी इज हस्बैंड ऑफ, मैंने उस टाइम भी बताया था जब वीडियो लेक्चर्स में कि आप सबसे पहले जेंडर मेंशन करिए, पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, ठीक है, हस्बैंड तो ये फीमेल हो गई। इसके बाद क्यू डॉलर एम, यानी यहां पे क्यू इज मदर ऑफ एम, ठीक है। अब एम के बारे में कुछ नहीं गिवन, जेंडर नहीं पता तो छोड़ दो अभी, एम इज फादर ऑफ टी, देखो क्लियर है, एम इज फादर ऑफ टी यानी एम मेल है, टी के बारे में रिलेशन जेंडर नहीं पता तो रहन दो। तो अगर आप देखो ऑप्शन में क्या है, व्हाट इज रिलेशन ऑफ पी विद टी, इनका और इनका रिलेशन, तो एक तरह से हो क्या रहा है, देखिए थर्ड जनरेशन मतलब सेकंड जनरेशन आ रही है, ये इसका क्या हुआ बेटा हुआ, और उसका ये वापस इसका क्या है फादर है, तो यहां से क्लियर पता पड़ रहा है पैटर्नल ग्रैंडफादर, इट मींस दादाजी, पी क्या है टी के दादाजी, पैटर्नल ग्रैंडफादर, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट। अब इसमें बताता है आर इज द सिस्टर ऑफ एच, ऐसे क्वेश्चन जरा थोड़े अच्छे होते हैं अगर आप रिलेशन से चलो तो, रिलेशन आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि डॉलर का मतलब क्या था, यहां पे मदर, यानी आपका जो ये साइन था वो किसको बता रहा था, ए को बी की मदर, लिख देता हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद नॉट इक्वल्स टू फादर बता रहा था, मैं सिर्फ रिलेशन लिख रहा हूं क्योंकि ए टू बी का ही रिलेशन है, ठीक है। एट द रेट आपको हस्बैंड बता रहा था, और फिर परसेंटेज आपको बता रहा था डॉटर, ये आपको रिलेशन गिवन है, मदर फादर हस्बैंड डॉटर, ये आपको रिलेशन गिवन है। आपको चेक क्या बता, देख के क्या बताना, आर इज सिस्टर ऑफ एच। देखिए अगर आप सबसे पहले देखो आर इज सिस्टर ऑफ एच, यानी आपको किसी भी तरह आर को फीमेल लाना है, यानी या तो आपको परसेंटेज का साइन चाहिए या मदर चाहिए, मतलब या तो ये साइन आ रहा हो या ये साइन आ रहा हो, तभी थोड़ा गेम बन सकता है, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए दो में डॉलर आ, मतलब ये साइन आ रहा है मदर वाला, दो में डॉटर वाला, तो सबसे पहले हमें सिस्टर प्रूव करना है, तो मैं कोशिश करता हूं कि पहले परसेंटेज से सॉल्व करो, तो सेकंड ऑप्शन सॉल्व करके देखते हैं, आर परसेंटेज डी, मतलब आर इज डॉटर ऑफ डी, क्लियर। अब उसके बाद बोला एट द रेट, तो एट द रेट के अकॉर्डिंग क्या हो गया, डी इज हस्बैंड ऑफ एफ, यानी डी तो हो गया मेल, ये किसका है एफ का, ठीक है। अब एफ फीमेल हो गई, क्लियर पता पड़ गया, हस्बैंड तो फीमेल ही हो गई, और डॉलर वापस क्या पता पड़ गया, एफ इज क्या हो गया मदर ऑफ एच। एच के बारे में कुछ नहीं है, हमें एच की इंफॉर्मेशन भी चाहिए, चाहिए क्या, देखिए ये दोनों हस्बैंड वाइफ, इनके दो क्या हो गए, दो डॉट वन डॉटर एंड वन सन हो गए, या वन जो भी वन डॉटर वन डॉटर ही हो, दो डॉटर्स हो, हमें उससे मतलब नहीं, एच का जेंडर हमें नहीं पता, लेकिन यहां से क्लियर पता पड़ रहा है आर इज सिस्टर ऑफ एच, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। देखिए ऑप्शन से जाना भी एक टेक्निक होती है, और वो यही टेक्निक है कि आप रिलेशन देखिए, जो कोडिंग दी गई है उसको देखिए, और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बहुत ईजिली इस तरह से सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इफ जी
डॉलर। अब वापस आपको रिलेशन की जरूरत पड़ेगी तो मैं रिलेशन वापस लिख देता हूं आपको प्रीवियस लेसन, यहां से आपको पता पड़ रहा होगा ये मदर थे, उसके बाद आपका नॉट इक्वल्स टू एल एट द रेट और परसेंटेज थे। हस्बैंड, ठीक है, ये हमने यहां पे क्या लिख दिया, हर सिंबल का यूजुअल मीनिंग लिख लिया जो गिवन है क्वेश्चन में। अब जी डॉलर एम ये दिया हुआ है, देन हाउ इज के रिलेटेड टू जी ये पूछ रहा है, यानी जी क्या हो गई मदर ऑफ एम, क्लियर। एट द रेट मतलब एम इज हस्बैंड ऑफ किसका, के का, तो के क्या हो गई आपकी फीमेल हो गई, तो के जो है जी से रिलेटेड कैसे है, डायरेक्टली पता पड़ रहा है के इज डॉटर इन लॉ ऑफ जी, तो के कैसे रिलेटेड है, डॉटर इन लॉ ऑफ जी, ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। वापस एच इज द ब्रदर ऑफ एन, कौन इंडिकेट कर रहा है, रिलेशन वापस लिख लेते हैं। देखिए रिलेशन बहुत जरूरी है इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं, क्योंकि इन्हीं से आपको सिंबल से आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। क्या है गिवन आपको, आपको बताना है ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जिसमें पता पड़ रहा है H इज द ब्रदर ऑफ N। तो अगर आप देखिए सबसे पहले आपको बताना क्या है, H इज ब्रदर, यानी अब आपको H को मेल प्रूव करना है किसके रेस्पेक्ट में, N के रेस्पेक्ट में। तो देखिए अगर आप देखो तो ये दो साइन ये आपको क्या बता रहा है, D इज द मदर ऑफ H, यहाँ पे D परसेंटेज है मतलब D सिस्टर ऑफ H, ठीक है। लेकिन आपको क्या प्रूव करना है H और M का, तो हम हर ऑप्शन को इवेल्युएट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन H नॉट इक्वल टू मतलब R, यानी H इज फादर ऑफ R, ये आपका ऑप्शन नंबर वन, क्लियर। उसके बाद वापस क्या आ गया, R इज मदर ऑफ D, ये फीमेल हो गई, फिर D इज मदर ऑफ N, ठीक है। तो कहीं से कहीं तक भी H और N का रिलेशन सिस्टर और ब्रदर का तो नहीं बैठ रहा, यानी ये ऑप्शन आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, N परसेंटेज F, यानी इट मींस क्या हो गया, एन इज डॉटर ऑफ एफ, एफ कौन है हमें नहीं पता, मेल है फीमेल है नहीं पता। उसके बाद एफ एट द रेट डी, यानी आपका जो वो है एफ जो है वो क्या है, एफ क्या है हस्बैंड ऑफ डी, एफ मेल हो गया ये पता पड़ गया, ठीक है। तो और डी फीमेल हो गई, ये भी क्लियर हो गया, अच्छा। उसके बाद डी डॉलर एच, इट मींस डी इज मदर ऑफ एच, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा गया, एच और आर, और ये बोल दिया गया एच क्या है फादर ऑफ आर, यानी यहां से दोनों के जेंडर मेंशन हो गए, मेल फीमेल पता पड़ गया। तो क्लियर बात है मेल फीमेल पता करते ही ये क्या हो गया आपका, सीधा रिलेशन आ गया जो आपको चाहिए था, एच इज द ब्रदर ऑफ एन, क्योंकि एच मेल एन फीमेल दोनों ही दोनों के पेरेंट्स दिए हुए थे, अलग अलग थे, मदर और फादर से रिलेशन बता रखा था, तो दोनों ब्रदर एंड सिस्टर ही है। इट मीन ऑप्शन नंबर सेकेंड इज योर करेक्ट, ऑप्शन आगे जाने की कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 2x plus y, देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, 2x plus y equals to 35, लीनियर इक्वेशन ही है, सॉल्व कर लेते हैं। जनरली इसको सॉल्व किससे कराऊंगा, करते हैं हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या कोई भी मेथड अपना आ सकते हैं, मैं यहां पे आपका एलिमिनेशन यूज कर रहा हूं। तो मेरे को इक्वेशन किसका कोफिशिएंट ऑफ वाई सेम बनाने के लिए इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये इक्वेशन आपकी कुछ ऐसी बन जाएगी। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल, माइनस का 5x इक्वल्स टू कितना होगा यहां पे 65, और वो है तो ये आ जाएगा 75, तो x आ गया आपका 15, माइनस का x आ गया प्लस का 15, x को 15 पुट करोगे तो यहां से आपका y आ जाएगा 5, क्लियर। अब आपको क्या चाहिए, इन दोनों का रेशियो, तो 15/5 दैट इज 15/5, एक्स बाय वाई इक्वल्स टू 15/5 दैट इज इक्वल्स टू 3, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 4p इक्वल्स टू 47 स्क्वायर माइनस 43 स्क्वायर, क्लियर। अब अगर आप देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सीधी आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू 4p, तो 4p इक्वल्स टू 4 इंटू 90, 4 से 4 कैंसिल, p इक्वल्स टू 90, ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, लेंथ ऑफ डायगनल, जनरली फॉर्मुला वाला बेस क्वेश्चन है,
बट फॉर्मुला पता होना चाहिए कि डायगोनल का फॉर्मुला क्या होता है, वो होता है रूट थ्री इंटू साइड। तो साइड किससे निकलेगी, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया दे रखा है मतलब टीएसए लगा दो, यानी सिक्स इंटू साइड स्क्वायर। क्लियर, ये आपका आ गया 150, ये 6 ए स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू 25, ए की वैल्यू 5, ये आपके पास आ गया सेंटीमीटर में। आपको क्या चाहिए, लेंथ ऑफ डायगोनल इन सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला वो है रूट थ्री टाइम्स ऑफ साइड, यानी रूट थ्री इंटू फाइव, इट मींस 5√3। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज 20। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, तीन नंबर आपको एक थर्ड नंबर निकालना है, उसको एक्स अज्यूम कर लो, 16 + 22 ये एवरेज बोला है, तो डिवाइड बाय 3 = 20 होगा। यहां से x + 38 = 60, इसी से यहां से सॉल्व करूंगा x = 22। इजी क्वेश्चन, मीन पे बेस था। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच नंबर ऑफ विच नंबर इज 1060804 9 इज अ स्क्वायर। देखिए घबराने की जरूरत नहीं, अब ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में या तो आप एलिमिनेशन से, अगर आपको मेथड पता है तो आप उससे भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज एलिमिनेशन भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है, तो लास्ट डेट 5 आनी चाहिए थी, कैंसिल हो गया ऑप्शन। 9 का 81, कैंसिल। 3 का स्क्वायर 9 और 3 2 5 7। अब अगर आप इनकी यूनिट डेट देखो, अब मुझे कैसे पता पड़े आंसर क्या, तो अब इसके लिए मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, और ये चीज तो क्लियर हो गई कि दो ऑप्शन नेगलेक्ट हो गए, ठीक है। तो 2 2 का पेयर मैंने बना लिया, यहां से मैं सॉल्व कर लेता हूं 3, और देखिए पहले ही 3 आती है, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, डायरेक्ट पता पड़ रहा है फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि इसकी जो यूनिट डेट आ रही है वो 1 आ रही है, तो आगे हमें सॉल्व करना ही नहीं पड़ा क्वेश्चन को, दो ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए, बाकी एक ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया कि फर्स्ट डिजिट क्या आ रही है 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। 3257 का स्क्वायर ये नंबर है। क्लियर, फाइंड द मिसिंग टर्म, बहुत इजी क्वेश्चन। 6 प्लस से, अब देखिए यहां से आपको रिलेशन डायरेक्ट दिख रहा होगा, 6 × 7 = 42 और 6 + 7 = 13, यानी यहां तो मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक, यहां एडिशन का। इसके बाद 13 × 3 = 39, 13 + 3 = 16, तो नेक्स्ट क्या आएगा, 4 + 4 × x = 28, डायरेक्टली 7 आ गया, और चेक भी कर लो 4 + 7 = 11। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। 2 पोजिशन, देखिए बहुत इजी ट्रिक से होगा, कैसे होगा कि दो जब भी डाइस आपको इस तरह से क्यूब्स दिए गए हो, डाइस दिए गए हो, तो आपको देखना है कॉमन नंबर, यहां कॉमन नंबर 5 है, इस 5 को देखिए और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना है, 5 को चेक करने के बाद क्लॉकवाइज रोटेट करिए, तो 5 1 3, 5 2 4, 3 के अपोजिट कौन आ गया, ये जो नंबर्स आए हैं एक दूसरे के अपोजिट है, 1 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 6, बहुत इजी ट्रिक है, जो कॉमन नंबर है उसे लो, उसके बाद क्लॉकवाइज रोटेट कर लो, तो 2 3 के अपोजिट 4, क्वेश्चन पूछ रहा है 4 के अपोजिट कौन सी डिजिट है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म विद अ सॉलिड क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड। तो सिंपल सा क्यूब है, एन निकालने का फॉर्मूला वही है, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, दैट इज 3 × 3 × 3, 1 × 1 × 1, दैट इज 27। ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 27 इज करेक्ट आंसर। हाउ मेनी टाइम आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक आर एट राइट एंगल्स इन अ डे। जब मैंने लेक्चर पढ़ाया था बताया था ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। राइट एंगल मैंने बताया था हर आवर में 2 बार होती है, 12 आवर्स में 22 टाइम और 24 आवर्स में 44 टाइम। तो आपसे पूछा गया इन अ डे, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, 44 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, 1 + 4 = 9, 2 + 8 = 18। अब लॉजिक देखिए, बहुत अच्छा लॉजिक था क्वेश्चन का और इजी लॉजिक था, 4 × 2 और जो डिजिट दी गई है +1, ये आपका हो रहा है 9। अच्छा चेक कर लेते हैं नेक्स्ट में, 8 × 2 जो डिजिट दी गई है ये आ गया आपके पास 18, फिर 6 × 2 + 3 ये आ गया 15, यानी जो सेकेंड नंबर है मल्टीप्लाई बाय 2 और फर्स्ट नंबर को उसमें ऐड करोगे तो आपको रिजल्टिंग आंसर मिल रहा है। तो 8 × 2 + 7, दैट इज 23। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अब 8 पीपल आर सिटिंग, सर्कुलर टेबल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था सिटिंग अरेंजमेंट का, आपको अलग अलग प्रोफेशन दिए गए थे और दिए गए थे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका सिटिंग अरेंजमेंट बता देता हूं क्या होगा।
बताया था 8% के लिए कुछ इस तरह से ही करते हैं। हमें सबसे पहली क्या इक्वेशन दी गई है, एफ इज सिटिंग सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ के, एफ इज सिटिंग सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ के, ये लिख दिया मैंने। द साइंटिस्ट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ के, ये भी बोल दिया। देयर, अब साइंटिस्ट क्या हो गया, इमीडिएट नेबर ऑफ के, तो साइंटिस्ट यहां आ गया, यहां भी आ सकता है, हम दोनों पॉसिबिलिटी लेंगे, ठीक है, यहां भी हम साइंटिस्ट लेके चलते हैं। अभी इज एन इमीडिएट, देयर आर ओनली थ्री पीपल बिटवीन साइंटिस्ट एंड ई, तो यहां से चेक करो तो भी 1, 2, 3, और यहां से देखो तो भी 3, यानी हर तरह से ई यहां पे आ रहा है, यहां से करोगे तो यहां आएगा। पहले हम ये वाली पॉसिबिलिटी से काम करते हैं। देयर आर ओनली थ्री, ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन इंजीनियर एंड ई, इंजीनियर और ई के बीच में सिर्फ 1 पर्सन सिटिंग है, तो या तो इंजीनियर यहां आ सकता है, या हो सकता है एफ ई इंजीनियर हो, यह भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो हम पॉसिबिलिटी सारी लेंगे। देयर आर ओनली थ्री पीपल सिटिंग पीपल बिटवीन साइंटिस्ट एंड ई, ओनली 1 पर्सन बिटवीन दिस कॉलमनिस्ट इज टू इमीडिएट राइट ऑफ इंजीनियर। अब अगर इसके इमीडिएट राइट की बात करूं तो यहां से पता पड़ गया कि एफ इंजीनियर नहीं है, तो इंजीनियर तो यही पर्सन है, यहां पे जो भी बैठा है वो इंजीनियर है, और कॉलमनिस्ट उसकी इमीडिएट राइट पे है, ये भी चीज क्लियर हो गई, ठीक है। ये दो प्रोफेशन हमारे पास आ चुके हैं, दो अरेंजमेंट आ चुके हैं। अब इसके बाद एम इज सेकेंड टू राइट ऑफ के, एम इज सेकेंड टू राइट, यानी एम क्या है, कॉलमनिस्ट, ये भी पता पड़ गया। एच इज द साइंटिस्ट, एच के बारे में और उसके प्रोफेशन के बारे में पता पड़ गया। नेक्स्ट क्या है, जी एंड जे आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, नीदर जी नॉर जे इज एन इंजीनियर, ये बोल रखा है, और जी और जे इमीडिएट नेबर है, तो यही अरेंजमेंट बैठता है ना, दोनों में से कोई भी इंजीनियर नहीं है, बिल्कुल सेटिस्फाई भी कर रहा है इस चीज को। द फाइनेंशियल एनालिस्ट इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, यानी जी आपका हो गया फाइनेंशियल एनालिस्ट। द लॉयर इज सेकेंड टू राइट ऑफ कॉलमनिस्ट, लॉयर जो है वो सेकेंड टू राइट ऑफ कॉलमनिस्ट, यानी ये आपका लॉयर आ गया। द प्रोफेसर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ इंजीनियर, जो प्रोफेसर है वो इमीडिएट नेबर किसका है, इंजीनियर का, तो यहां से पता पड़ गया के क्या हो गया आपका, प्रोफेसर, ठीक है। अब जी इज सेकेंड टू राइट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, जी जो है वो सेकेंड टू राइट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट है, तो अगर ई को देखोगे तो इसके राइट में सेकेंड टू राइट आ रहा है, यानी जे क्या हो गया आपका चार्टेड अकाउंटेंट सीए, और एफ जो बचा वो आ गया आपका डॉक्टर। तो सबके प्रोफेशन और सबका सेटिंग अरेंजमेंट आ चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, हु इज सिटिंग सेकेंड टू राइट ऑफ ई, ई के सेकेंड टू राइट में, तो डायरेक्ट पता है जी बैठा है, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोफेसर, प्रोफेसर कौन है, प्रोफेसर था के, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। द थ्री ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, उसी बेसिस पे हमें बताना है कि कौन नहीं है। डायरेक्टली देखिए, बोल रखा था क्वेश्चन में जी एंड जे आर नॉट इंजीनियर्स, और ऑप्शन में इंजीनियर और जे दे दिया, तो यानी और कुछ ऑप्शन चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू साइंटिस्ट, तो अगर मैं सेटिंग अरेंजमेंट देखूं तो साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में जो हमारा एल, जो एल बच रहा था तो यही आएगा, तो एल की पोजीशन आ रही है सेकेंड टू द राइट, इट मीन सेकेंड टू द राइट, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। अब इसमें पूछा कौन सी इक्वेशन स्टेटमेंट सही है अकॉर्डिंग टू, लॉयर इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ डॉक्टर, इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ फाइनेंशियल एनालिस्ट। देखिए अगर आप देखोगे सेटिंग अरेंजमेंट को तो फाइनेंशियल एनालिस्ट का इमीडिएट नेबर ई नहीं है, लॉयर इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ डॉक्टर, ये भी बोल रखा है आपको, तो यहां पे ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है आराम से, तो लॉयर इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ डॉक्टर, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। इफ 381 ए इज डिविजिबल बाय 9, वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ए, तो अगर देखिए अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो उसका सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, और ये बोला गया स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो 3 + 8 + 1 + a शुड बी डिविजिबल बाय 9, ये कंडीशन होनी चाहिए। 11 + 1 = 12, तो अब एक ही ऐसी मिनिमम वैल्यू जिससे क्या हो जाए वो डिविजिबल बाय 9, तो 12 है, तो 12 में हम अगर 6 ऐड करेंगे तभी 18 आएगा, और वो ही 9 से डिविजिबल होगा, तो a की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 6, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, बहुत इजी क्वेश्चन, 3 + 6 + 9, ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आ गए, उनका एवरेज 18, 30, 45 / 5, दैट इज 9, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। 81 / y = 1/27 / x, और आपको x को निकालना था y की टर्म में। देखिए ऐसे केसेस में क्या करना होता है, कॉमन बेस में चेंज करिए, तो यहां 81 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 4, इसी तरीके से मैं 27 को भी लिख सकता हूं 3 की पावर 3,
इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 3 की पावर 4y इक्वल्स टू 3 की पावर माइनस 3x। यहां से जब कंपेयर करेंगे बेस सेम तो पावर सेम, 4y इक्वल्स टू माइनस का 3x, यहां से मेरा x आ जाएगा माइनस 4y बाय 3। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। 10a स्क्वायर प्लस ab इक्वल्स टू 10 बाय 1 और रेशियो दिया हुआ है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10a स्क्वायर प्लस ab इक्वल्स टू 30ab माइनस 10b स्क्वायर। इधर ले आते हैं इसको, 10a स्क्वायर प्लस 10b स्क्वायर माइनस 29ab। देखिए कहीं ना कहीं एक टर्म बन रही है और इसको सॉल्व करने के लिए मैं जो लगाऊंगा वो लगाऊंगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो यहां से मैं 29ab है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 10 100 और 100 के जब फैक्टर करेंगे तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 25 4। तो 25ab माइनस 4ab मैंने स्प्लिट कर दिया इस टर्म को। यहां से अगर देखो तो आपका 5a कॉमन आ रहा है तो यहां बचेगा 2a माइनस 5b, यहां से वापस आपका माइनस का 2b कॉमन आ रहा है तो यहां वापस 2a माइनस 5b। इट मींस 5a इक्वल्स टू 2b। और मैं ये कहूं कि a बाय b भी आपका आ गया 2 बाय 5। 5:2 का रेशियो भी आ रहा था बट यहां से क्लियर पता पड़ रहा है a बाय b आपका आ रहा है 2 बाय 5। क्लियर, बाकी कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहां से देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन में बताया था अगर मैं इसको फॉर्म करूं तो 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स की पावर 1/2 है इक्वल्स टू 3। तो जब भी पावर ऐसे डिवाइड में होती है तो जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 9 और यहां से सॉल्व करोगे तो क्यूब रूट ऑफ एक्स आ गया आपके पास 4। यहां से अगर देखोगे तो क्यूब रूट मतलब क्या, पावर 1/3, फिर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई तो 4 की पावर 3 दैट इज 64 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर इज 12 टाइम देयर एचसीएफ, यानी एलसीएम इक्वल्स टू 12 टाइम्स ऑफ एचसीएफ गिवन है क्वेश्चन में। सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, तो LCM प्लस HCF का सम कितना गिवन है, 403। इजी क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं LCM की वैल्यू। LCM की वैल्यू है 12 टाइम्स ऑफ HCF, ये आपका आ गया 403 और एक नंबर 93 दे रखा है। तो अभी पहले हम LCM और HCF तो निकाल लें, यहां से मेरा 13 टाइम ऑफ HCF वो आ गया आपके 403 के इक्वल। HCF की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो यहां से आएगी 403 बाय 13 31, यानी यहां से आपके HCF की वैल्यू कितनी आ गई, 31। और LCM आपका 12 टाइम ऑफ HCF है तो LCM आपका आ गया 12 × 31। मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास डायरेक्टली एक नंबर गिवन है तो मेरे को एक रिलेशन पता है, HCF into LCM equals to product of two numbers। ये रिलेशन हम पढ़ते हैं, बहुत इजी रिलेशन है, 10th क्लास के में भी है। तो HCF आपका 31 था, ये 12 × 31 था, डिवाइडेड बाय 93 कर दूं क्योंकि वन नंबर गिवन है तो जो अदर नंबर है हमसे यही पूछा गया है वो इससे सॉल्व हो जाएगा, 3 टाइम्स से गया 4। तो यहां से आपका डायरेक्ट आंसर 124 आपका आंसर आ गया। क्लियर, ऑप्शन नंबर 1 वॉज योर करेक्ट आंसर। इफ वन इंटीजर इज ग्रेटर देन अनदर इंटीजर बाय 3 गिवन है और डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब इज 117। तो एक इंटीजर अगर x है तो दूसरा x प्लस 3, या मैं ये कह दूं y इक्वल्स टू x प्लस 3 गिवन है। वन इंटीजर इज ग्रेटर देन एंड डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स, तो जो बड़ा है इनका डिफरेंस कितना है, तो सम ऑफ द टू इंटीजर पूछ रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये एक्स एक्स कैंसिल, यहां से 3 से अगर इसको सॉल्व करोगे तो 3 3 39 आ गया। यहां पे आपका 3x² + 9x = 30, 3 कॉमन ले लें तो यहां से आएगा x² + 3x - 10 = 0। ये आ गया 3x को क्या लिख सकता हूं, 5x - 2x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लेते हैं। यहां से x की वैल्यू 2 और माइनस 5 आ गई। देखिए सारे आंसर पॉजिटिव में है तो मैं नेगेटिव इंटीजर तो जाऊंगा ही नहीं, मैं सिर्फ पॉजिटिव से बात करूंगा क्योंकि मेरे पास जो चारों ऑप्शन है वो किसके हैं,
पॉजिटिव, तो x इक्वल्स टू 2 आया तो 2 प्लस 3 5 और 5 प्लस 2 दो इंटीजर का सम पूछ रहे थे तो 2 प्लस 5 आंसर आएगा 7। ऑप्शन नंबर 1 7 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग 7502 ओनली वंस इन अ नंबर। ये आपका पीएनसी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए चार डिजिट गिवन है, अब अगर आप देखो तो हमारे पास फोर स्पेसेस है, इनको फिल करना है, हमें एक नंबर बनाना है, तो जीरो इधर नहीं आ सकता, यानी आपके पास सिर्फ तीन ही नंबर्स रहेगा जो फर्स्ट प्लेस पे यानी 10,000 प्लेस पे आ सकते हैं। ये आपके 1000 प्लेस पे सिर्फ तीन ही नंबर आ सकते हैं, तो ये आपके हो गए 3। ठीक है, बीच में मल्टीप्लीकेशन लगेगा, अब बचे कितने 3 नंबर, ये 3 नंबर कहीं भी आ सकते हैं, और बोल रखा है ओनली वंस, सिर्फ एक बार, जो नंबर यहां आ गया वो रिपीट नहीं होगा, तो आप सिर्फ 3 के साथ रह गए 3 नंबर्स के साथ। फिर जो नंबर 100 प्लेस पे आ गया वो 10s पे नहीं आएगा तो 2 नंबर्स, फिर जो 10s पे आ गया वो 1s पे नहीं आएगा तो 1 नंबर, तो आपके पास 9 2 18। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। पीएनसी का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, रिपीटेशन नहीं था, सिर्फ आपको ये बोल रखा था डिजिट्स एक बार ही आएंगी, जीरो फर्स्ट 1000 प्लेस पे नहीं आ सकता था, तो हम सिर्फ तीन ही पॉसिबिलिटी के साथ रह गए थे इस पे। ग्रेटेस्ट फोर डिजिट इवन नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट, इवन बोल दिया तो या तो जीरो आएगा या सिक्स आएगा, लेकिन ग्रेटेस्ट भी बोला है तो सेवन, तो यहां पे अगर मैं जीरो हूं तो बेटर है क्योंकि सेवन के बाद सिक्स, बहुत इजी क्वेश्चन, 7650 ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। पर्सन कवर हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 30 किलोमीटर आर एंड रिमेनिंग हाफ एट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का आपको फॉर्मूला अगर याद हो तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 2uv u + v, मतलब आपकी जो दो अलग अलग वेलोसिटी है उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो 2 × 30 × 20 ये 50 आ गया, ये आपका आ गया 25, दैट इज 24 किलोमीटर पर आर। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला था, डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज किया, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1, 24 किलोमीटर पर आर इज योर करेक्ट आंसर। अब ये पाई चार्ट गिवन है आपको, इसी पे बेस क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड ड्यूरिंग ईयर 1999 वाज ₹46,000, हाउ मच मनी वाज स्पेंट ऑन क्लोथिंग एंड हाउसिंग टुगेदर। सबसे पहले क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि क्लोथिंग और हाउसिंग पे एक साथ कितना खर्च हुआ है, तो क्लोथिंग और हाउसिंग आपकी हो जाती है 25%। ठीक है, और टोटल अमाउंट कितना स्पेंट है 46,000। ठीक है, तो टोटल अमाउंट स्पेंड कितना है 46,000, ये गिवेन है आपको, और जो क्लोथिंग और हाउसिंग है वो आपकी कितनी हो रही है 25%, तो 25/100 × 46,000 इसको सॉल्व कर लेते हैं, 46 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया 1150 और उसके बाद एक जीरो और लगेगा बिकॉज यहां पे था, तो 11500। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है टोटल एक्सपेंडिचर 46,000 है, तो सेविंग कितनी है फैमिली की, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है आपका वो कितना है 46,000, तो सेविंग पूछ रहा है, सेविंग आपकी 15% है तो आपसे सेविंग पूछ रहा है, तो सेविंग वापस वही 15/100 × 46,000 इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 6900। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पेंट ऑन विच आइटम, किस पे सबसे ज्यादा अमाउंट स्पेंट हुआ है, तो डायरेक्टली दिख रहा है हमारा यहाँ पे कि फूड आपका 23% है, बाकी सब उससे कम है, तो यहां से आपको डायरेक्ट पता पड़ रहा होगा फूड पे सबसे ज्यादा अमाउंट स्पेंट हुआ है। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन हाउसिंग टू टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन एजुकेशन, तो हाउसिंग पे आपकी थी 15%, उसके बाद आपकी जो एजुकेशन है उस पर 12% थी। क्लियर, ये आपको पाई चार्ट से गिवन इन्फॉर्मेशन थी, तो आपको निकालना क्या है, इनका रेशियो अगर मैं इसको सॉल्व करके अमाउंट निकालूं, उस टाइम वेस्ट नहीं करना, हम यहीं से डायरेक्ट 15/12 का रेशियो निकालेंगे, वो भी सेम किसके आएगा, जो अमाउंट है। ठीक है, तो यहां से अगर सॉल्व कर लें तो 5 × 4 ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। सम ऑफ 3 नंबर इज 98, ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं 3 नंबर्स को, गिवन है फर्स्ट और सेकंड का रेशियो 2/3, तो x/y = 2/3 है, दूसरा y/z जो है वो आपका 5/8 है,
क्लियर। अच्छा ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो। मैं सभी को आपको लाना क्या है, सेकंड नंबर सबको वाई के टर्म में ले आता हूं, तो एक्स अगर वाई के टर्म में आएगा तो वो आएगा 2/3 ऑफ वाई। क्लियर, ये आपकी इक्वेशन वन। यहां से अगर मैं जेड को निकालूं तो वो आ जाएगा 8/5 ऑफ वाई। अब पुट कर दो इसमें इक्वेशन में, एक यहां पे 2/3 ऑफ वाई प्लस 8/5 ऑफ वाई इक्वल्स टू 98। ये आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। ये 15 है, यहां से 10y 15y 24y इक्वल्स टू 98। ये आपका और है 49y/15 इक्वल्स टू 98। 49 2 तो y इक्वल्स टू आ गया 30। इट मींस y इक्वल्स टू आपका कितना है 30, सेकंड नंबर आपका 30 है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए ऐसे क्वेश्चन में करना भी यही चाहिए, एक ही वेरिएबल में ले आया, जो वेरिएबल निकाला उसी में मैं डायरेक्टली ले आया, तो बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं ऐसे क्वेश्चन और टाइम बचाते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर इज सर्टेन रिलेशन, अब वही रिलेशन है आपको बताना है। तो 21 3, तो 21 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 3, सिमिलरली 574 को 7 से डिवाइड करो तो आपके पास मिसिंग टर्म आएगी, तो 82 ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 42 20, उसके बाद 64। तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर रहा होगा आपको कि कैसे करें, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ डिफिकल्टी है नहीं इसमें। अगर आप देखो तो इसमें देखो 6 का स्क्वायर प्लस 6 ये आपके पास 42 आएगा। सिमिलरली अगर आप देखो तो 6 का स्क्वायर प्लस अभी 42 20 64, ये आपको गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सेटिस्फाई करेगा। तो 42 और 20 में कुछ रिलेशन है क्या, ये चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए ये 6 स्क्वायर प्लस 6 है, वो 4 स्क्वायर प्लस 4 है, बट 64 जो है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आपका अगर आप यहां से सॉल्व करने जाओगे तो आपका ऑप्शन आएगा 32। इट मींस दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, 7 11 3 11 7, ये आपको गिवन है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 11 आ गया। सिमिलरली 7 स्क्वायर प्लस 2 ये आ गया 51, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। 42 56 72, वापस ये लॉजिक आ गया। तो अब अगर आप देखो तो इसको 42 को मैं लिख सकता हूं 6 का स्क्वायर प्लस 6, 7 का स्क्वायर प्लस 7 ये आपका आ गया 56। इसी तरह से 8 का स्क्वायर प्लस 8 आपका आ गया 72। क्लियर, तो अब अगर देखो 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट आएगा 9 का स्क्वायर प्लस 9, दैट इज 90 इज योर करेक्ट आंसर। 980, तो देखिए 9 का स्क्वायर माइनस 1 ये आपका हो रहा है 80, तो सिमिलरली 100 का स्क्वायर माइनस 1 आपका होगा 999, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, तो आई होप आपको सारे सॉल्यूशंस मिल चुके हैं, सीपी करियर पॉइंट की वेबसाइट पे भी आपके सॉल्यूशंस आंसर की डल चुके हैं, एनालिसिस भी आपको मिल चुका होगा, आप अपने रिजल्ट को एनालाइज कर सकते हैं, स्कोर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।